नमस्कार, स्वागत सभी का एक और वीडियो में। आज का वीडियो किसी यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में होने वाले पीएचडी इंटरव्यू को लेकर नहीं है, बल्कि एक ऐसे संस्थान की तरफ से है जो एक करवा रहा है ऑनलाइन सेमिनार, जिसमें जिसके विषय से यदि आप रखते हैं इत्तेफाक तो भेज सकते हैं अपना शोध पत्र। और यदि आपके शोध पत्र की गुणवत्ता और आपके शोध का विषय आज के समय की परिस्थितियों से मेल खाता रहा तो आपको मौका मिलेगा आपने अपने शोध पत्र को पढ़ने का, वाचन करने का। तो आप भी यदि शोध में रखते हैं इंटरेस्ट और इसके लिए आपका पीएचडी एमफिल या एमए में एनरोल होना जरूरी नहीं है, आप हैं तो अच्छी बात है, और यदि एनरोल नहीं है तो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस प्रतियोगिता रूपी शोध आलेख कार्यक्रम में। और ये वेबिनार भी होगा और किसी प्रकार की नामांकन या रजिस्ट्रेशन की फीस भी नहीं है, और आप इसको हिंदी में टाइप करके भी भेज सकते हैं, ठीक है। और अच्छा खासा समय आपको लगभग एक महीने का समय दिया गया है, अपने पेपर को तैयार कीजिए और दी गई ईमेल आईडी पर आपको उसको भेज देना है। मैं कुछ फ़ोन नंबर और कुछ ईमेल आईडी आपको दे दूंगा जहां से आप संपर्क कर लीजिएगा कि अपने पेपर को लिख कर कैसे भेजना है। और अंत में आपको बताऊंगा कि आपको हाथ से लिखना है पेपर या टाइप करना है, किस फॉन्ट में लिखना है, क्या क्राइटेरिया है। उससे पहले संस्थान, डेट और टॉपिक को सुन लीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा कि आपको पेपर भेजना है या नहीं। भारतीय उत्थान न्यास का ये दूसरी श्रृंखला है इस प्रकार के कार्यक्रम की, और एक दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित हो रही है और डेट इस पे दी है 31 अक्टूबर 2021। मेरे अनुसार 31 सितंबर तो हो नहीं सकते क्योंकि सितंबर का जो महीना होता है वो 30 का होता है, तो 31 अक्टूबर ही डेट ये है। और उस दिन एक बहुत अच्छे व्यक्ति का जन्मदिवस भी है, कमेंट करके बताइएगा 31 अक्टूबर को किसका जन्मदिवस है और उस व्यक्ति का संबंध, उन व्यक्ति का संबंध भारतीय आंदोलन से है और गुजरात से है, ठीक। विषय यह रखा गया है भारत के पुनरुत्थान हेतु अनुसंधान, यानी के भारत के पुनरुत्थान का मतलब आप उसको रेनेसा मत बोलिएगा, ठीक है, यानी कि भारत के नए डेवलपमेंट के लिए अनुसंधान किस प्रकार से लाभदायक या कारगर सिद्ध हो सकता है उसको लेकर यह थीम रखी गई है। 31 अक्टूबर का वो दिया गया है और समय है सुबह 10 से 5 बजे तक का। स्थान इसमें दिया है बुड़का कॉलेज ऑफ कॉमर्स, कंचीगुड़ा हैदराबाद, ये संस्थान इसको करवा रहा है। विषय को आप पहले सुन लीजिए, कौन कौन से विषय हैं जिस पर आप अपना शोध को लिख सकते हैं। भारतीय इतिहास की पुनर्व्याख्या। अगला है न्याय प्रक्रिया में जो जुडिशली होती है, न्याय प्रक्रिया में संशोधन एवं सुधार। तीसरा है साहित्य, कला एवं संस्कृति की या संस्कृति में भारतीय अवधारणा। साहित्य, कला एवं संस्कृति में भारतीय अवधारणा एक टॉपिक और है। ये टॉपिक थोड़ा आपको अजीब नहीं लगेगा, इस प्रकार के टॉपिक की ही डिमांड वर्तमान में ज्यादा है या ज्यादा पॉपुलर में है। अध्यात्म और विज्ञान एक टॉपिक और है, ये थोड़ा आपकी मॉरलिटी को चैलेंज करने वाला टॉपिक है और आप वैल्यूज को बताने वाला टॉपिक भी है ये, अगर आप इस पेपर लिखते पे। टॉपिक है इसमें पंचकोश के परिपेक्ष में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास। अब ये संदर्भ दे दिया है आपको पेपर में, कीवर्ड क्या है, चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व के विकास में, चरित्र निर्माण और व्यक्तित्व के विकास में किसका योगदान, पंचकोश का, यानी कि पंचकोश के आधार पर आपको चरित्र निर्माण और व्यक्ति के विकास, समग्र विकास, चहुंमुखी विकास की बात कर रही है, ना ही राजनीतिक विकास की, ना ही सामाजिक, जिस भी प्रकार के डेवलपमेंट की जरूरत होती है व्यक्ति के व्यक्तित्व को आगे बढ़ाने में, उन सभी प्रकार का संदर्भ यदि आपको पंचकोश में मिलता है तो उसके आधार पर लिखिएगा। विषय में फिर से बोल देता हूँ, पंचकोश के परिपेक्ष में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास। एक टॉपिक और है पर्यावरण में भारतीय दृष्टि, पर्यावरण की भारतीय दृष्टि कर लीजिए या पर्यावरण में भारतीय दृष्टि, या फिर पर्यावरण का अध्ययन भारतीय दृष्टिकोण से भी आप करना चाहें तो कर सकते। एक विषय और है नई शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा, टीचर एजुकेशन जिसे बोलते हैं ना, टीचर एजुकेशन या टीचर एजुकेटर। तो भारतीय शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षक शिक्षा। लास्ट टॉपिक जो दिया गया है वह है लैंग्वेज को लेकर, भाषाओं को लेकर और भारतीय भाषाओं को लेकर।
और ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अगर इसको पढ़ना है, समझना है, तो आप तीन व्यक्तियों को पढ़िएगा, बड़ा अच्छा लगेगा पढ़ने के लिए। और तीन व्यक्ति तीन अलग विषयों से हैं, तीन अलग दृष्टिकोण के हैं। गांधी जी को पढ़िएगा आप, महात्मा गांधी, ठीक, राहुल गांधी नहीं, महात्मा गांधी। रामलाल शर्मा को पढ़िएगा, एक हिंदी के बहुत अच्छा नाम है। और अगर इत्तेफाक रखते हो, दो व्यक्ति हैं, दोनों में जो पढ़ना चाहें, कार्ल मार्क्स और बाबा साहेब अम्बेडकर। इन तीन या चार व्यक्तियों को आप पढ़ने के बाद अपना पेपर लिखेंगे, जो कि विषय है भारतीय भाषाओं का समन्वय का संभावना एवं विकल्प। और इसी समन्वय वाले रूप को समझने के लिए आप कबीर और तुलसी को भी पढ़ सकते हैं। कबीरदास और तुलसीदास भक्तिकाल के कवि, और कबीर को शायद ही कोई साहित्यकार होगा या साहित्य का विद्यार्थी जो नहीं जानता होगा, मैं ऐसा नहीं मानता हूँ, ठीक है। तो ये सात आठ विषय हैं, इनमें से किसी भी एक विषय का चयन कीजिए, क्योंकि एक व्यक्ति एक ही पेपर भेजेगा। लेकिन आप में अगर ज़्यादा ही ज्ञान का सागर भरा है तो आप एक विषय पर एक ही पेपर लिखिए, लेकिन अगर आपको अपने ज्ञान का समाहार इस प्रस्तुत करना है तो किसी दूसरे व्यक्ति को सहयोग कर दीजिए पेपर लिखने में, या फिर दो लोग मिलकर भी एक पेपर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक। ये सब कुछ कर लेना है आपको, और 31 अक्टूबर तो कार्यक्रम होगा, तो आपको अपना पेपर उससे पहले भेजना है दी गई ईमेल आईडी पर, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब कुछ नियम कानून समझ लीजिए पेपर भेजने के, पढ़ने के। सबसे पहली चीज कि जितने भी बच्चे पेपर भेजेंगे उसमें से टॉप 10 सिलेक्टेड बच्चे चयनित किए जाएंगे पेपर के लिए, क्योंकि सभी को तो मौका दे नहीं सकते हैं। एक दिन का कार्यक्रम है, लगभग 5 से 6 घंटे का, घंटे का लंच होगा, वक्ताओं को भी बोलना है, आयोजकों को भी बोलना है, ठीक है। और जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ वहाँ मच्छर हैं और बड़ा काट रहे हैं, ठीक, इसलिए हाथ बार बार खुजाने में चला जाता है, उसको बात को इग्नोर कर दीजिए। आपको पेपर लिखना है हिंदी में, फॉन्ट सुन लीजिए, यूनिकोड और कृतिदेव। यूनिकोड और कृतिदेव, कृतिदेव के कई फॉन्ट होते हैं, कृतिदेव 11 होता है, कृतिदेव 10 होता है, कृतिदेव 15 होता है, तो यहाँ केवल शब्द लिखा है कृतिदेव, तो उसका जो फॉन्ट लेना है आप ले लीजिए। और यूनिकोड इंग्लिश का इसमें जिक्र नहीं है कि इंग्लिश में भेजना है, ओनली हिंदी में है। PDF अब स्कैन फाइल स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए इसका मतलब क्या है, आप अपने को कहीं पेपर पे लिखा आपने, उसका फोटो खींचा आपने और आपने उसको PDF में कन्वर्ट करके भेजा, ऐसा नहीं होगा। आप लिखने के बाद उसका फोटो खींच के भेजेंगे वो भी स्वीकार नहीं होगा। अपने को आप टाइप कीजिएगा MS Word फॉर्म में और उसको उसी फॉर्म आप भेज दीजिए, ठीक है। लेकिन आपको फिर भी PDF में अगर भेजने की चुल है, यदि आप अपना आलेख पेपर शोध पेपर PDF भेजना चाहते हैं, तो PDF कॉपी प्लस वर्ड फाइल की कॉपी दोनों ही सेंड कर दीजिएगा दी गई ईमेल आईडी पर। ईमेल आईडी मैं आपको बता देता हूँ, sujeetkuntal@gmail.com। इस ईमेल आईडी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। और याद रखिएगा कि संदर्भ यानी कि रेफरेंसेस ज़रूर दीजिएगा, विदाउट रेफरेंसेस विदाउट संदर्भ आपका पेपर स्वीकार नहीं किया जाएगा। भेज सकते हैं लेकिन वह शोध की कैटेगरी में ना होकर वह एक आलोचना एक निबंध की कैटेगरी में चला जाएगा। आपका लेखन तो सही है लेकिन वह उस संस्था के उस कार्यक्रम के लिए स्वीकार नहीं होगा उस दिन के कार्यक्रम हेतु, ठीक है। तो वह आपका निबंध रूप में इसलिए संदर्भ जरूर दीजिएगा, जहाँ से भी अपना डेटा लेते हैं कोई भी आपकी मौलिकता है, और कोशिश करके अधिकांश पेपर मौलिक रूप से ही लिखिएगा, ठीक है। और अपना जो देते हैं अपना पूरा एड्रेस भी जरूर दीजिएगा, कौन भेज रहा है, कहाँ से भेज रहा है, किस संस्थान में पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, किसी संस्थान से जुड़े, तो अपना पूरा पता दीजिएगा, अपना व्हाट्सअप नंबर दीजिएगा, अपना फ़ोन नंबर दीजिएगा, और 31 अक्टूबर के इस कार्यक्रम में शामिल होइएगा। वीडियो पर जो प्रतिक्रिया देनी है दे दीजिएगा, मुझसे कुछ सवाल हो पूछ लीजिएगा, शोध आलेख के बीच में थोड़ा बहुत समस्या जानता हूँ उसके बारे में कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा। और वीडियो को शेयर करना हो शेयर करिए, लाइक करना हो लाइक करिए, अपने सवालों को भेज दीजिए। नेक्स्ट वीडियो भी कुछ इसी टाइप का होगा। यदि आप इंटरेस्टेड हैं आलेख भेजने के लिए जो कि फ्री में है, उसके लिए अगले वीडियो का वेट कीजिएगा। और उपन्यास और वृद्ध यानी कि बुजुर्ग उस समाज से यदि आप इत्तेफाक रखते हैं तो उसको लेकर एक संस्थान किताब निकाल रहा है, उसके लिए मंगे हुए हैं आलेख, अगले वीडियो में बातचीत करेंगे उसकी। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।